नमस्कार, मैं हूं गुलाब शाह और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। देश में एक बार फिर कांपी धरती। दरअसल बंगाल की खाड़ी में मंगलवार को भूकंप आया है और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी इससे कुछ झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में ये भूकंप सुबह 7:02 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई और ये झटके चेन्नई में भी महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस भूकंप के कारण फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिकी भूगर्भ यानी USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 10 किलोमीटर की गहराई में था और भूकंप के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए। चेन्नई में भी ये झटके महसूस किए गए, जिस बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए हैं। भूकंप इतना तेज था कि यहाँ घरों के खिड़की और दरवाजे तक हिलने लगे थे। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन झटकों ने 2004 में आई सुनामी और 2002 में गुजरात के भुज में आए भूकंप की याद दिला दी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों में पूरे देश में भूकंप के करीब 8 झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें से 4 झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।